बंद हो गए। आज सुबह 4 बजे से विधि विधान के साथ पूजा हुई, फिर सुबह 8:30 बजे मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद हो गए। अब 6 महीने के लिए केदारनाथ उखीमठ में दर्शन देंगे। भैया दूज के दिन कपाट बंद किए जाते हैं। पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली में रखा जाएगा। चल विग्रह डोली उखीमठ के ओंकारेश्वर पहुंचेगी। गौरीकुंड सोनप्रयाग होते हुए आज रामपुर में डोली पहुंचेगी। 5 नवम्बर को ओंकारेश्वर में केदारनाथ विराजमान होंगे। इस साल 16 लाख यात्री केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो अब 6 महीने तक केदारनाथ के कपाट बंद रहेंगे। उखीमठ में अब श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। आज सुबह ये कपाट बंद होते हैं क्योंकि ठंड वहां पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से 6 महीने के लिए कपाट बंद हो जाते हैं। आज सुबह 4 बजे विधि विधान के साथ पूजा होती है, फिर सुबह 8:30 बजे मंत्रोच्चार के साथ कपाट बंद हो गए। अब 6 महीने के लिए केदारनाथ उखीमठ में दर्शन देंगे। भैया दूज के दिन कपाट बंद किए जाते हैं, ये परंपरा सालों से रही है। पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली में रखा जाएगा। चल विग्रह डोली उखीमठ के ओंकारेश्वर पहुंचेगी। गौरीकुंड सोनप्रयाग होते हुए आज रामपुर में डोली पहुंचेगी। 5 नवम्बर को ओंकारेश्वर में केदारनाथ विराजमान होंगे। इस साल 16 लाख यात्री केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कपाट बंद हुए उसमें भी काफ़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे थे ताकि एक बार दर्शन कर पाएं। विधि विधान के साथ कपाट बंद हुए हैं, अब उखीमठ में दर्शन हो पाएंगे।